हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रकाश ड्रीम टीम। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का जो मैच होने वाला है टेस्ट का, उसका बहुत दिनों से इंतज़ार था पाकिस्तान फ़ैन को, साउथ अफ्रीका फ़ैन को और इंडियन टीम को भी, इंडियन फैंस को भी, क्योंकि इंडिया जो है अभी जो है ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ही अच्छा विन दर्ज करके आया है और पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से हार कर आया था। तो बहुत सब कमेंट्स आया कि भाई पाकिस्तान ऐसा क्रिकेट खेल रही है, वैसा क्रिकेट खेल रही है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि घरेलू सीरीज पे जो है पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें उनका क्या दारोमदार होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये जो मैच होने वाला है, टेस्ट जो होने वाला है, पहला टेस्ट जो होने वाला है ये कराची में होने वाला है। कराची का जो पिच होता है ना, कराची का पिच बॉलर लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ देखा जाएगा तो एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर होता है 297, मतलब 300 भी नहीं है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 300 भी नहीं है और सेकेंड इनिंग जो है 337, मीन्स कि देखा जाएगा जो स्कोर है पहले का, जो मैच के हिसाब से देखा जाएगा जो एवरेज बैटिंग स्कोर है, तो पहले जो बैटिंग करती है कम रन मारती है, सेकंड बैटिंग करती है ज़्यादा रन मारती है। और विनिंग परसेंटेज देखा जाएगा तो जो पहले बैटिंग करती है वो 7 बार ही जीती है और जो बाद में बैटिंग करती है, सेकंड पाली बैटिंग करती है, वो 17 बार जीती है। यानी कि सबसे पहली बात है कि यहाँ टॉस जीती है और बॉलिंग लीजिए, फास्ट बॉलर को भी मदद करती है और स्पिन को भी मदद करती है। पहले की अपेक्षा में यहाँ का जो पिच है पहले बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर को और स्पिन को मदद करती थी, अब वैसा कुछ नहीं है। इसमें देखा जाएगा तो जो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर बहुत ज़्यादा है 765, वो भी 6 विकेट्स पे, और लोएस्ट जो स्कोर है वो 80 रन 10 विकेट्स पे। इधर और ओवरऑल देखा जाएगा दोनों के बीच में जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, जब जो जितने टेस्ट हुए हैं 10 टेस्ट जो हुए हैं लास्ट 10 टेस्ट, उसमें देखा जाएगा तो 5 पाकिस्तान जीता है, 5 साउथ अफ्रीका जीता है। इस हिसाब देखा जाए तो पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत दबाव होगा क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे वो न्यूजीलैंड से हार के आई है और खासकर जब इंडिया जो जीती है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, उसके कारण पाकिस्तान का बहुत दारोमदार रहेगा कि वो अपना एक टेस्ट सीरीज जीते। ऐसे भी रैंकिंग में वो बहुत नीचे है, इंडिया बहुत ऊपर है, साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक ही रैंकिंग पे ही है। उनके बैटिंग बॉलिंग दोनों को देखना पड़ेगा। ऐसे फिलहाल पिछले सीरीज में कप्तान बाबर आजम नहीं थे, इस मैच में सीरीज में बाबर आजम आने वाले हैं, इससे भी बहुत सारा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप पे, क्योंकि बाबर आजम है जो थोड़ा रुक के खेलते हैं और थोड़ा लंबा खेलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 का। पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 हुआ तो मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला है। जब बाबर आजम आएंगे तो एक आध प्लेयर को हटाना पड़ेगा, जिसमें ओपनिंग मेरे ख्याल से आबिद अली और इमरान भट्ट को मौका मिल रहा है, तो आबिद अली इमरान भट्ट ओपनिंग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट डाउन जो है अजहर अली आएंगे, हो सकता है कि अजहर अली भी ओपनिंग करने आए। बाबर आजम उसके बाद आएंगे, फिर फवाद आलम, उसके बाद आपको एक मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है, पिछले सीरीज में बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था, इसलिए मोहम्मद रिजवान आएंगे। नए स्पिन के रूप में यासिर अली आएंगे, यासिर शाह, उसके बाद हसनान अली आएंगे, शाहीन अफरीदी आएंगे, सरफराज अहमद को विकेट कीपर के, हो सकता है कि इनको मौका कम ही चांस है सरफराज अहमद को, मेरे ख्याल से हो सकता है कि साउद शकील, एक नए बैट्समैन जो है साउद शकील, उनको मौका मिलेगा। इस तरह से देखा जाएगा तो ये प्लेइंग 11 होना चाहिए जिसमें कि फास्ट बॉलर के हसन अली और शाहीन अफरीदी दिखाएंगे और यासिर शाह फास्ट भूमिका निभाएंगे, नुमान अली जो है वो ऑलराउंडर के भूमिका में निभाएंगे। नुमान अली जो है जैसा बैटिंग करें बॉलिंग करें उनको इस तरह का भूमिका नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 होना चाहिए पाकिस्तान का। साउथ अफ्रीका में भी कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, उनके स्पिन के भूमिका में केशव महाराज दिखाएंगे। ओपनिंग का देखा जाएगा तो डीन एलगर ओपनिंग करने आते हैं, उनके साथ एडम अकरान करने आते हैं। ये दोनों के बाद फिर फर्स्ट डाउन जो होते हैं आर्बर डसन आते हैं, उसके बाद कप्तान जो है फाफ डुप्लेसिस, कप्तान तो नहीं है पिछले बार सीरीज में कप्तान थे, इधर फाफ डुप्लेसिस शुद्ध रूप से बैटिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद उनके साथ क्वांटम डिकॉक, इस सीरीज पे क्वांटम डिकॉक को कैप्टन और विकेट कीपर की भूमिका निभाने के लिए मिली है, क्वांटम डिकॉक आएंगे। उसके बाद जो है टिम्बा बहुमा भी बहुत अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, निचले क्रम में आके अच्छा खासा रनों का योगदान दे देते हैं। फिर ऑलराउंडर जी लिंडे भी मीडियम पेसर जो हैं वो भी आएंगे, उसके साथ केशव महाराज आएंगे, फिर नॉर्थजे आएंगे और फिर आपके कंगिसो रवाडा और लुंगी नगेडी। ये कंगिसो रवाडा लुंगी नगेडी इन लोग के वापस आए हैं, जिसके कारण साउथ अफ्रीका का टीम मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बेटर है। पाकिस्तान के पिच पे बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो फाफ डुप्लेसिस उनका बैटिंग लाइनअप में जो है फाफ डुप्लेसिस आरवन डसन एंड क्वांटम डिकॉक, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और बॉलिंग में आपको कंगिसो रवाडा और स्पिन भूमिका में केशव महाराज, बहुत ही अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का लग रहा है। इसके बाद हम लोग अभी बात चर्चा करेंगे कि अपना जो प्लेइंग 11 होगा, जो अपना ड्रीम टीम बनाएंगे, उसमें कौन कौन सा प्लेयर खेलेंगे, तो हम लोग अभी ड्रीम टीम के बारे में बता रहे हैं। करते हैं ड्रीम टीम की। ड्रीम टीम में देखा जाएगा तो विकेट कीपर में मेरे ख्याल से क्वांटम डिकॉक और रिजवान दोनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान भी बहुत अच्छा निचले क्रम पर बैटिंग आते हैं, मिडिल ऑर्डर में जो है आपको बहुत ही अच्छा बैटिंग क्वांटम डिकॉक भी करते हैं। बैटिंग के रूप में देखा जाएगा तो मैं 3 ही बल्लेबाज को रखना चाहूँगा, जिसमें बाबर आजम,
फाफ डुप्लेसिस और एक डी नेलगर को अगर नहीं रखते हैं डी नेलगर को, तो आर वन डसन को रखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बैटिंग के, क्योंकि फास्ट अगर आप बैट्समैन बढ़ाते हैं तो मैं ऑलराउंडर दो रखना था, उसमें ऑलराउंडर को घटा दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान का पीछे थोड़ा सा बैटिंग थोड़ा सा मजबूत रखना होगा, तो मैं एक चार प्लेयर को रखूँगा जिसमें आपको डी नेलगर को भी रखा जा सकता है। डी नेलगर पाकिस्तान सॉरी ये साउथ अफ्रीका के तीन बल्लेबाज को मैंने रखा है, बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान के एक बल्लेबाज को रखा है, रिजवान दो बल्लेबाज होंगे इसमें बल्लेबाजी क्रम में, फाफ डुप्लेसिस आपको डीन एलगर और आरवन डसन तीन, बाबर आजम चार, उसके बाद चार बल्लेबाज दो विकेट कीपर रख लिए हैं, तो ऑलराउंडर में मेरे ख्याल से जिल लिंडे को रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। इधर से देखा जाए तो आपका फास्ट बॉलिंग में देखा जाएगा तो फास्ट बॉलिंग में मैं अपना कंगिसो रवाडा को रखेंगे और ए नॉर्थजे को रखेंगे, कंगिसो रवाडा ए नॉर्थजे दोनों रहेंगे और स्पिन के भूखा में यासिर शाह को रखेंगे। इस तरह से ये प्लेइंग 11 तैयार है। आप चाहे तो हो सकता है कि साहिन अफरीदी को भी रख सकते हैं फास्ट बॉलिंग, अगर स्टार्टिंग में पहले पाकिस्तान टॉस जीतती है अगर बॉलिंग करती है तो साहिन अफरीदी को रखना लाजमी है, अगर पाकिस्तान बैटिंग पहले करती है, अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है तो साहिन अफरीदी को मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए। इस तरह से देखा जाएगा तो मेरा प्लेइंग 11 तैयार है जिसमें आपका विकेट कीपर में क्वांटम डिकॉक रिजवान दो प्लेयर हो गए, आपको बाबर आजम तीन, फाफ डुप्लेसिस चार और डीन एलगर पाँच, और छठे में आप आर्यन डसन छः, जी लिंडे सात, आप यासिर शाह आठ, कंगिसो रवाडा नौ, लुंगी नगेडी दस और इग्रामा में केशव महाराज को रख लीजिए, ए नॉर्थजे को रख लीजिए, साहिन अफरीदी को 11 प्लेयर में से। इसमें कैप्टन मेरे ख्याल से फाफ डुप्लेसिस सबसे पहला चॉइस, फाफ डुप्लेसिस उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद आप बॉलर को भी रख सकते हैं क्योंकि इस पिच पे जो बॉलर को जो है थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलने वाली है, तो बॉलर को भी आप रख सकते हैं स्पिन भूमिका में निभाने के लिए। इस तरह देखा जाए तो मेरा प्लेइंग 11 तैयार है। आप भी अपना टीम बनाइए और ड्रीम लीग, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग जो भी खेलते हैं आप अपना टीम बनाकर जीतिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।